दिवाकर हौजी गर्ल्स वेयर मिलने का एकमात्र स्थान जहाँ मिलेगी फैंसी ड्रेस, जीन्स, टॉप, लेगी, कुर्ता, प्लाजो, कुर्ते, वो भी नए नए डिजाइन में, एक बार अवश्य बताएं। होम शॉपिंग शोरूम शादी विवाह के संपूर्ण फर्नीचर के साथ आपके घर को सजाना, फर्नीचर की अच्छी रेंज के साथ बाजार से कम दामों की गारंटी। हमारा पता हटा रोड हटा नाका गुलाब बाबा मंदिर के बाजू में दमोह, एक बार अवश्य पधारें। बर्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। माननीय सदस्य श्री राहुल सिंह लोधी जी, माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं दमोह संसदीय क्षेत्र की सभी जनता का आभार भी व्यक्त करता हूं कि उनके आशीर्वाद से मैं यहां पहुंचा। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में दो विश्वप्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, एक जागेश्वर नाथ धाम जहां पर निरंतर श्रद्धालुओं का आवागमन लगा रहता है, जिसके विषय में मैं माननीय रेल मंत्री जी से मिला हूं और उनसे विभिन्न ट्रेनों के स्टॉपेज के विषय में मैंने चर्चा की है, जिसकी आवश्यकता पूर्ण होना बहुत आवश्यक है। और साथ ही मैं एक और स्थान जो हमारे जैन समाज के तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर के नाम से जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसके विषय में भी मैं जानकारी देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके पहले वर्ष 2004 और 2011 में दमो जबलपुर से दमोह और दमोह से बाय कुंडलपुर पन्ना के लिए रेल मार्ग के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी और जिसका सर्वे भी हुआ था। अध्यक्ष महोदय, यदि ये लाइन डलती है तो इससे हम लोगों को दो फायदे होंगे, क्योंकि वर्तमान में जब हम दिल्ली की ओर जब जाते हैं तो हमें पहले जबलपुर से कटनी, कटनी से दमोह और फिर दमोह से सागर होते हुए दिल्ली आना पड़ता है, जो लगभग 200 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। और यदि यह लाइन सीधी डलती है, बढ़ती है जबलपुर से दमोह और बाय कुंडलपुर, तो 100 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस वो कम होगा। और जब ये लाइन दमोह से बाया कुंडलपुर जब पन्ना जाएगी तो हमारा जो तीर्थ क्षेत्र है, जो कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं, जो पूरे विश्व में जिनकी ख्याति है, तो लोगों का आवागमन होता है। और यदि ये लाइन डलती है तो आप विश्वास मानिए कि ये एक बड़ा ही कदम होगा सरकार का, माननीय रेल मंत्री का, जैन समाज के लिए, और सच्ची श्रद्धांजलि हमारे बड़े बाबा के चरणों में होगी। तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ कि इस रेल मार्ग को शीघ्र अतिशीघ्र डलना चाहिए, जिससे हमारी दमोह से कुंडलपुर और कुंडलपुर से पन्ना के लिए ये लोगों का आवागमन हो सके। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद।